जंग में उन्हें भी जिनसे तू प्यार करती है और उनको भी जो तुझसे प्यार करते हैं। तूने मुझसे दुश्मनी लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है श्री। सजा तो तुझे भुगतनी ही पड़ेगी। मैं भले ही कुछ ना कर पाऊं लेकिन वो जरूर करेंगे जिनके दम पर ये पूरी दुनिया चलती है। श्री, तू हार गई। हार गई। तू मुझसे कभी नहीं जीत सकती। सकती। श्री, यही वो जादुई गन है जो हमें अपने अगले पड़ाव का रास्ता दिखाने वाला था। अब हम क्या करेंगे? सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। नहीं मंगला बहन, अब भी बहुत कुछ हो सकता है। अपने मंजिल के इतने करीब आकर मैं पीछे नहीं हट सकती, लेकिन मैं पहले को सोचा करी रहूं।
बता बता कैसे जीतेगी तू? तुझे जीतने के लिए इस आग से गुजरना होगा श्री, पर इससे गुजरेगी तो कुछ भी करने के लिए जिंदा नहीं रहेगी तू भस्म हो जाएगी श्री, तू इस आग में भस्म हो जाएगी। नहीं जान लेती तब तक मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ कि आप ये बात किसी से मत कहिए। कम से कम अनंत से तो इस बारे में बात कर सकती हूँ, कितनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई गई? मधु तुम रो क्यों रही हो? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना, क्या जरूरी बात करनी थी? अनंत क्या ये सच है कि मुझसे पहले आपकी? हेलो अनंत, या मिस्टर जेफ, या ऐसे हालात पैदा करने हैं कि श्री को घर से निकाला जा सके। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर तुमने जल्द ही श्री को इस घर से नहीं भेजा तो मुझे तुम्हारे पति को इस दुनिया से भेजना पड़ेगा। सिद्धि तू कई दिन छुप जा, लेकिन मैं तुझे ढूंढ ही लूंगी। क्या सोचने में लग गई? रितिक की आवाज फोन पर? हे भगवान, इसका मतलब वो ब्लैकमेलर मेरे घर में घुस आया है और रितिक उसके पास है, कहीं उसे कोई खतरा तो नहीं? रितिक, तुम लोग अभी कहाँ थे? अभी तो यही थे, मैं और सिद्धि हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। पता नहीं है सिद्धि कहाँ चली गई। आपको पता है क्या बाबू? वो रही सिद्धि, सिद्धि, आई स्पाई, सिद्धि। बच्चे सुरक्षित है जानकर चैन आ गया। क्या सच में मैंने बच्चों की आवाज ब्लैकमेलर के फोन पर सुनी थी? पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ब्लैकमेलर घर का ही कोई है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर मुझे कोई गलतफहमी हुई है। मंगलमय, इस आग की दीवार के पीछे क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें जाने से तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है। हो सकता है? नहीं नहीं है। जाके देख ले, देख ले, राख ही बाहर आएगी तेरी।
रही है? नहीं मगरा बहन, आप ही ने कहा था ना मुझसे कि मेरी शिव सुक्त की शक्ति से मुझे ये सुराग मिला है, मुझे आगे बढ़ने का रास्ता मिला है। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस रास्ते में चाहे कितनी भी कांटे क्यों ना आए, मैं इस दीवार को पार कर के रहूंगी। मैं इस दीवार के पीछे जाग कर रहूंगी। ये तो मैं रघुवंशी हाउस में ही आ गई, लेकिन यहाँ सब कुछ इतना बदला सा क्यों है? और सब ठीक है घर में? सब ठीक है। अरे विनीता बहन, आपने कुछ लिया नहीं? अरे इतना सारा बना दिया है। ये क्या हो रहा है? ये लोग मुझे देख क्यों नहीं पा रहे? उन्नीस सौ अट्ठानवे, इसका मतलब मैं 10 साल पुराने रघुवंशी हाउस में आ गई हूँ। हाँ। 10 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसे जानने का सुराग उस घर ने मुझे दे दिया है। मुंह तो मीठा कीजिए। अरे थोड़ा सा। कंगना बेटा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, है ना आनंद? जी। आपका बेटा हरि तो बहुत ही पढ़ाकू है। हाँ
वो किसी भी चीज में लग जाता है ना तो जान लगा देता है। हरिलक्ष्मी I loves me not. I loves me. ये सब क्या है कंगना? प्यार करने लगी हूँ मैं तुमसे हरी। I love you. शादी करोगे ना मुझसे? नहीं। क्यों? क्या कमी है मुझ में? क्या मैं खूबसूरत नहीं हो? पर मेरे टाइप की नहीं हो। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो भोली भाली हो, सीधी साधी, जिसमें मासूमियत हो, सादगी हो। तो मुझ में क्या कमी है हरी? देखो कंगना, तुम में कोई कमी नहीं, पर मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं। हरी की शादी के बारे में हमने सोचा तक नहीं। हरी तो अभी छोटा है, उसके पहले अनंत है, डैनी है, पहले उनकी शादी होगी, बाद में हरी की बारी आएगी। पाना तो मुझे तुम्हें है हरी, भले मेरी शादी तुमसे हो या ना हो, भले मुझे किसी और की बीवी बनके तुम्हें पाना पड़े। कुटुंब रक्ष कार्यास्तामी अवाद पुत्र हदिदम। सालों बाद इस घर में शहनाई बजी है, हमारे खानदान की नई पीढ़ी की पहली शादी है, और बहू शगुन है, हमारा खानदानी मैसानी मंगलसूत्र। काफी रस्में कर लिए, आ जाओ आ जाओ। कर रही हैं आप? भाभी हैं आप मेरी। अरे मैं तुम्हें पाने के लिए तो तुम्हारी भाभी बनी। What? होश में तो हैं आप? होश तो मैंने उसी दिन खो दिया था हरी, जब पहली बार तुम्हें देखा। मैंने अनंत को अपना पति नहीं, तुम्हें अपना पति माना है हरी। मेरे प्यार को समझो हरी, देखा तुम्हारे प्यार में मैं क्या कर गई। मुझ में समा जाओ हरी। अब होश आया? मेरा होना होगा हरी, मेरा होना होगा। ये तो कंगना से प्यार नहीं करते थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ जो ये कंगना के साथ, यानी कि अपनी बड़ी भाभी के साथ भाग गए थे?